नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के जहानाबाद थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव में बदमाश दिन दहाड़े एक युवक के घर में रंगदारी वसूलने पहुंच गए। अच्छायाता की पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए एसपी को फोन कर दिया। एसपी के निर्देशन में मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों को जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र का लपसीपुर गाँव है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरी चौबे के यहाँ कुछ लोग गाड़ियों में भरकर उनसे रंगदारी मांगने पहुँचे। इस पर तत्काल जहानागंज थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया और मौके पर पहुँची और उनकी जो सूचना थी वो सत्य निकली और इस मौके से 9 लोग पकड़ कर लाए गए और उनसे संबंधी जो गाड़ियां थे, जिन गाड़ियों से आए थे वो गाड़ियां थाने पर लाई गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत धारा 386 का किया गया और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में कोई भी इस जनपद में इस तरह की गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने की कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ जनपद के गुंडों को, बदमाशों को, कि इस तरह की हरकत फिर ना करें। जो लोग पकड़े गए हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके के हैं लोग? देखिए, अभी उनका जो गुंडागर्दी की उनकी आम शिकायत है और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी एक थाना क्षेत्र के नहीं थे, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों के जमा होकर लोग वहाँ गए थे और इस तरह के लोग मौका पड़ने पर जब कभी प्रतिरोध होता है तो मर्डर भी कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब भविष्य में पुलिस द्वारा की जाएगी।